Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. और ग्रामीण देवता के अलावा कुछ नहीं किया। We did Badkesh in the 12th, 6, 8, and So, 12th. ग्रामीण देवता Sir, before ग्रामीण देवता, we did Badkesh in 6, 8, 12, and how Badha will come, Pret Badha will come, and how the gods will be displeased with us, how the blessings will be missing. हाँ, हमने डाइटी का व्रत ऑफ डाइटी किया। We covered a wrath of deity, displeasure of a deity. That was the main topic, I think so. Okay. Yes, sir. 12th from Badkesh, okay. 12th from Surya and all that, etc. All the grahas, okay. That is important. Then we covered transits mein, kaise nove ghar mein, agar malefics ho, you know. So, ब्लेसिंग्स की कमी हो जाती है. तो फॉर एग्जाम्पल किसी का मेष लग्न है यहाँ पे या चंद्र राशि मेष का, तो उनको अभी थोड़ा दिक्कत हो सकती है थोड़े शॉर्ट समय के. ओके, किसी का कैप्रिकॉन लगता है तो केतु नवे घर में है, गोचर में अभी. करेक्ट एवरीवन? यस और नो? या किसी का कर्क लगता है, कर्क राशि. यस सर. यस सर. लेट्स वेक अप एवरीबॉडी, आई नो इट्स अ टायरिंग डे. ओके, कर्क लग्न हो तो राहु अभी नवे कर. यस सर. आर टफ टाइम्स, ये टफ टाइम्स है. ओके, जहां पे इन लोगों को ब्लेसिंग्स इतना आसानी से नहीं आएगा, तो ये लोग जब भी कोई मेजर काम करे, पूजा करे, ओके, जुपिटर को लग्न में रख के करे या नवमांश लग्न में रख के करे गोचर में. आप समझ, फॉर एग्जाम्पल अभी जुपिटर किधर है? मेष में, तो मेष लग्न में. ओके, बट ऑफकोर्स वो आपका अच्छा मेष, आपका अच्छा होना चाहिए, त्रिकोण वाला राशि होना चाहिए. अगर वो मेष आपके कुंडली में रखे तो लाइक स्कॉर्पियो लग्न वाला, वो मेष को लेगा तो लग्न में लेगा तो फिर प्रॉब्लम होएगा ना, क्योंकि मेष उसका छठे घर में आया. एम आई राइट एवरीबॉडी? कॉमन सेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हमें बोलता है. ओके, तो इतना डिटेल में तो हम बात नहीं कर सकते. सनोज कुमार, आपने हाथ रेज किए, पूछिए सनोज जी. यस सर. सर, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग प्रेत बाधा देखते हैं, तो अगर हमें उदय लग्न से दिख रहा है बाधा, लेकिन अर्ध लग्न से नहीं दिख रहा है, तो क्या कहेंगे? आरूढ़ से तो आपको दिखना ही चाहिए. ओके. उदय लग्न को प्रश्न मार्ग में फ्यूचर भी बोला कि जो उदय लग्न से देखा जाता है वो फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर में प्रेत बाधा. लेकिन अभी है कि नहीं है ये आरूढ़ में. आप डिफरेंस को समझ रहे हो? यस सर. इसके इनिशियल चैप्टर्स ऑफ प्रश्न मार्क में एक श्लोक में दूसरे तरीके से इसको बताया. Somebody singing, who's singing nice. Anyway, आज थोड़ा भूत शूट की बात करें हम लोग, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं टॉपिक्स को. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. Sorry sir, just a minute. Means last time, Jignesh. Speaking. Sorry, I can't see you. Yes, sir. Jignesh. Haan ji. Last time means I had to leave, and I was seeing the recordings of the lecture, and it got abruptly. So I'm not sure whether there are two parts or only one part. Yeah, that is a problem in that. Just hold on. Just hold. Yes. आप लोगों को पता है मेरा
कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उड़ गया था तो मैंने प्रेजेंटेशन पीपीटी पे नहीं किया था, राइट? एंड फिर बीच में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग ओके हमें स्टॉप करना पड़ा क्योंकि मेरा सी ड्राइव कंप्लीट फुल हो गया था, वो आप लोग जानते हैं वो रिकॉर्डिंग में है। एंड देन मुझे रिकॉर्डिंग ड्राइव चेंज करके करना पड़ा। नाउ इंसिडेंटली दैट सेकेंड पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग इज लॉस्ट, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने ऑफिस कॉल्ड अप रुचि एंड ऑल्सो सेंट एन ईमेल टू गिरीश नवनी ओके आस्किंग देम कि इफ दे हैव फर्स्ट टू डबल चेक इफ द रिकॉर्डिंग इज कंप्लीट बिकॉज आई फेल्ट इट वॉज नॉट कंप्लीट। सो देन रुचि ने बिकॉज गिरीश आई थिंक सो इज इन US, तो रुचि डबल चेक, गिरीश आपको ईमेल आया कि नहीं आया ऑफिस से? सर आई डोंट गेट एनी ईमेल सर। आपको ईमेल नहीं मिला, ठीक है। मैंने बोला था इनको कि दो जन से डबल चेक करें, तो रुचि इंसिडेंटली देन चेक्ड एंड सेड दिस आर नॉट कंप्लीट, सो शी सेंड द नोट्स। तो उसने जो नोट्स भेजा है, मैं दोपहर को बैठ के उसमें और एडिशनल पॉइंट्स डाल रहा था, ठीक है, और एडिशनल पॉइंट्स उसमें डाल रहा था, डालते डालते मैंने उसमें और एक्सटेंसिव कर दिया, तो मैंने स्टॉप किया, मैंने बोला बाद में भेजता हूँ ओके, क्योंकि इतना आप लोग ने मिस नहीं किया। द लास्ट पार्ट वॉज ओनली वेयर गिरीश रुचि एंड राजीव वेर गिविंग फीडबैक अबाउट द यस सर। तो कुछ इतना कुछ मेरे लिए इन द सेंस दे वर टॉकिंग अबाउट द टेक्निक्स। हाँ रितु जी, रितु जी यू रेस्ट हैंड, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ रितु जी। Right. Sir, are all spirits bad if Lagan and Badhakesh are together? Then but they are benefic, like Jupiter or Mercury together. So are they always bad? नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी यही सवाल का मैंने जवाब दिया था। क्रूर क्रूर होना चाहिए, क्रूर प्लैनेट इन्वॉल्व होना चाहिए फॉर कंफर्मेशन। I agree. But good spirits के लिए भी क्रूर होना चाहिए? नहीं, good spirits are good spirits, bad spirits are bad. अगर good spirits है तो ठीक है ना, साथ में बैठ के मेरे साथ लंच करें, you know? Bad spirits ही problem create करते हैं ना। No, but for example, you can get spirits coming to you in a good form also, some sort of blessing. Yeah, but you know how do you determine that? How do you determine that? आप समझ रहे हो कि वो स्पिरिट बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? I'll give you a small example. प्रश्न मार्ग में आप एक चैप्टर देखोगे भूतास ओके एंड भूयास भूयतकास करके ओके, वी आर एक्चुअली डिबेटिंग। आज का बहुत लंबा लेक्चर है एंड मेरा आज इंटेंशन था दो लेक्चर, आज का और नेक्स्ट वीक का भी लेक्चर कंबाइन करके ये खत्म करें, क्योंकि मेरे पास बहुत एग्जाम्पल चार्ट है। एनीवे, बट आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। भूतास जो है ओके, कौन है भूतास? ओके, दीज आर लाइक गणास ऑफ रुद्र, द फॉर्म ऑफ दिस थिंग, यू नो, जो ग्राउंड में होते हैं ओके। गुह्यतकास करके, आई एम सॉरी बैड एट प्रोनाउंसिएशन ओके, तो भूतास मेल्स को ज्यादा इफेक्ट करते हैं और गुह्यतकास फीमेल्स को। उसमें क्या हो जाता है, पीपल हु आर हैंडसम पीपल उनको अटैक करता है, वेरी ब्यूटिफुल वेमेन उनको अटैक करता है ओके, गर्ल हैविंग सेक्स आफ्टर प्यूबर्टी तब उनको अटैक होता है, खुला हायर रख के बाहर जाना, गीला हायर रख के जाना तब उनको अटैक करता है। इन्होंने कुछ नहीं किया, आप समझ रहे हो ओके, तो वो बहुत सारे कंडीशंस दिए हैं प्रश्न मार्ग ओके, कि इनफैक्ट गर्ल स्टैंडिंग एट हाईवेज और जंक्शंस वो भी एक कंडीशन दिया। अच्छा, आई कैन रीड आउट वो कंप्लीट लिस्ट है, एक पूरा चैप्टर बन सकता है। मेरे पास एक्चुअली एक टाइप के केसेस होते थे मेरे, बेसिकली इन द लास्ट 20 इयर्स आई हैव लॉस्ट इतना डेटा, मैंने हर बार उड़ गया डेटा, आई हैव लॉस्ट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा। मेरे पास हर एक के फोल्डर्स होते थे, आई मीन इफ यू इवन सी माय this thing, you know, the kind of folders I have, you know, anyway,
I'll show it later. You know, so many people have seen that. जो हमारे कोर्सेस करते हैं बहुत डिटेल्ड फोल्डर्स होते थे. तो जो लोग वो हाईवे पे ये होता है इसीलिए बोलते हैं ना हाईवे पे किसी के लिए रोकने का नहीं, गाड़ी नहीं रोकने का, यू नो. तो ऐसा बहुत है. तो एनीवेज स्पिरिट्स आर गुड स्पिरिट्स आर बैड. ओके मैं एक आज एक कुंडली दिखाऊंगा ओके जहां पे एक गुड स्पिरिट हेल्प समबडी एंड हाउ दैट समबडी वॉज थैंकलेस. वो मेरे पहचान का ही है. ओके तो माय पॉइंट इज वो बोलता है ना हमारे बम्बई या डायलॉग में बोलते हैं हमेशा शादी अपने बराबरी से करने का, यू नो. तो अपने जात वालों के साथ ही रहने का, वो स्पिरिट लोग के साथ लंच डिनर नहीं करने का. कब उसका मूड खराब हो जाएगा अपने को मालूम नहीं ना. आप समझ मीडियम्स मीडियम्स आर नॉट स्पिरिट्स. नहीं नहीं मीडियम्स आर मीडियम्स. वो तो मीडियम्स आर द पीपल हु आर ए मीडियम जो स्पिरिट को लेके आके ये वो सब करता ना बातचीत करते हैं आपसे. इनफैक्ट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए मीडियम ओके बट नॉट एज ए मीडियम ओके ए फॉरेनर इन वन ऑफ इन आवर कंसल्टेशन दिस थिंग. और उसने मेरे अच्छे दोस्त की बहुत अच्छी मित्र है बहुत ब्रिलियंट उसने प्रेडिक्शन दिया है करके. तो इनफैक्ट आई जस्ट टेल यू शी पास्ड ऑन ए मैसेज ओके दैट समबडी हु हैज डाइड ओके नो शी डिडंट पास ऑन मैसेज शी व्हाट्सएप्ड इट टू मी दैट समबडी हु हैज डाइड वांट्स टू गिव ए मैसेज टू मी वंस अगेन ओके एंड यू कांट बिलीव yesterday that person came in my wife's dream. Problem is I'm so badly tired. Oh, mera reading free reading pada hai. It's like that time nahi means peace of mind bhi chahiye na. Khana khane ko time nahi ho jata hai wo sab. Anyway, let's start the course. Okay, please idhar udhar ki this thing and my request everybody. And thanks, good points you removed, Rituji. That's a good point. Are spirits good or bad? Okay, now, who are spirits? Okay. Chapter 15, Shloka 42, Prashna Marga. Yeah, it's 42. Shloka 42 to Shloka 53. Ye Pret Bada ke bare mein baat kar. प्रेत का मतलब स्पिरिट्स. बाधा मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है. कैन वी हैव कैमराज ऑन प्लीज. नाउ ये स्पिरिट्स कौन होते हैं, ये प्रेत कौन है? पहला बात तो हमें समझने से बहुत टाइप के स्पिरिट्स होते हैं. अब ये जो स्पिरिट्स की बात हो रही है वो ये है कि जिनका मौत अच्छी तरह से नहीं हुआ, बीमारी में हुआ एंड समहाउ इधर से दूसरे लोक में पास ऑन नहीं हो पाया ओके या वॉयलेंट मौत हुआ, एक्सीडेंट मर्डर ओके एक्सेट्रा एंड ऑल दैट वॉयलेंट मौत हुआ ओके तो उनका जो संस्कार क्या बोलता है फाइनल राइट्स ओके वो बराबर नहीं हो पाया ओके. तो किसी भी तरह से जो बीच में अटक गए, जो बीच में अटक गए वो कम्युनिकेट करता है आपको. वो कम्युनिकेट करेगा या तो डायरेक्टली करेगा. मेरे पास और एक केस था, एक सेकेंड, और एक केस था ओके. वो कम्युनिकेट करेगा, कैसे करेगा कम्युनिकेट? या तो ड्रीम में आएगा या एकदम सामने आएगा. आप समझ रहे हो? या डराएगा या आपको तकलीफ देगा. अब ये सब कुछ मैं नया बात नहीं कर रहा है, सब आप लोग जानते हैं. करेक्ट, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. तो कभी कभी जब हम क्योंकि अच्छा ये किससे कम्युनिकेट करते हैं, ये नजदीक वालों से कम्युनिकेट करते हैं जो रिलेटिव है ओके. काफी बार कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए,
अगर आपका 5G है और उसका 3G है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, बराबर। तो वो वाइब्रेशन होना चाहिए। इट कैन बी एन एनिमी पर्सन ऑल्सो बट दे विल कम्युनिकेट, उन लोग कम्युनिकेट करेंगे। वेवलेंथ मैच होना चाहिए, आप समझ रहे हो। अब मैं सोता ही नहीं हूं हार्डली, एक घंटा दो घंटा जो भी है, तो मेरे से कौन कम्युनिकेट करेगा। मेरे को एक, मेरा बॉडी को, मेरे माइंड को एक डीप लेवल तक जाना चाहिए। यू नो सम पीपल आर सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव, सबको दिखता है। हमारे यहाँ पे राज एमबी करके था, आप लोग ने शायद पुराना उनका उसमें देखा रहेगा, वो हम लोग उसको सोल्जर बोलते थे, वर्कशॉप्स में। वो अमित भाई इधर नहीं है, अमित भाई और ये राज हमेशा रहते थे हर वर्कशॉप, फ्री में हमारे लिए काम करते थे, हर तरीके का काम, बॉक्स उठाना, ये करना, वो करना, सब कुछ करते। राज को स्पेशल गिफ्ट था, बहुत स्पेशल गिफ्ट था राज को स्पिरिट्स को देखने। हमने बहुत बार देखा, राज के प्रेडिक्शंस भी लोग जानते हैं। हमारे और एक कोर्स है ब्लैक चार्ट कोर्स, उसमें लैरी सेतिया है, वो राज को तो बहुत अच्छी तरह से जानता है, जानता था। राज गुजर गए कोविड के टाइम पे, तो बहुत ब्रिलियंट था वो। ऐसा रूम में आएगा, बोलेगा फैन पे अभी ये है स्पिरिट। हमारा केन राव का हमने वर्कशॉप किया था, सबसे पहला वर्कशॉप था 2013 आई थिंक सो, मार्च 31st आई रिमेम्बर। उसने इमीडिएटली बोल दिया इधर प्रॉब्लम। मेरे ऑफिस में आया था, उसने बोला इधर ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तेरे को एक ये 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 चीट करेगा। He was brilliant, absolutely brilliant in predictions. But बहुत स्ट्रेंज आदमी था, बहुत स्ट्रेंज आदमी, एक फेवर नहीं पूछेगा कभी, हमारे पैसे का हिसाब किताब रखेगा, किताब ये वो सब, एक चीज नहीं। अमित भाई इधर नहीं है आज, लेकिन अमित भाई तो हजार चीज बोलेंगे। तो लोगों को ऐसे कम्युनिकेशन पावर्स होते हैं, ओके। तो आम आदमी को भी है। अब जो जो आम आदमी सुन नहीं सकते, तो स्पिरिट क्या करता है, स्पिरिट आपको तंग करता है, थोड़ा तकलीफ करता है, या हिंट देता है, मैसेजेस देता है, ओके। जो स्पिरिट आपको बोल रहा है कि मेरे को इधर से मुक्ति दो, वो पोलाइटली पहले बोलेगा, आप नहीं सुनेगा, फिर इम्पोलाइटली बोलेगा, क्योंकि उसको तकलीफ हो रहा है, ओके। कोई कोई स्पिरिट गुस्से में, आप समझ रहे हो, कोई कोई स्पिरिट गुस्से में, तो वो गुस्से में आपको तंग करता है, वो अटैच हो जाते हैं काफी बार आपके साथ, आप समझ रहे हो, वो अटैच हो जाता है, ओके। तो ये बिफोर वी, एक सेकेंड, एक केस याद आ गया स्पिरिट का, ये बहुत खतरनाक केस है ये। सर इन द मीन टाइम कैन आई शेयर समथिंग? कौन बोल रहे हैं? रुचि सर। हाँ रुचि बहन। सो सर दिस वाज, आई वाज इन मुंबई, माय हस्बैंड वाज पोस्टेड इन मुंबई देन, इट वुड हैव बी, इट वाज द ईयर 2019 एंड द मंथ्स वुड हैव बीन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वन ऑफ दीस थ्री. And I knew this European lady who would talk to spirits. And because I was doing tarot, I was in a lot of these international groups. So I came to know her through there. And then she just one day randomly started telling me about how she started lately getting very scared because the spirits are telling her something very big is coming, where a lot of people will pass away. She got so scared that she closed her Facebook page. Her account, deleted everything. I could not find her after that. And then COVID came. And that is what happened. So this was something which really did stick with me, that she was genuinely one of those who could talk to spirits. Great. I've had so many people who have done that. I've had a case. Dehradun se थोड़ा दूर था, ये लड़की यूज्ड कॉल्ड मी फॉर प्रॉब्लम 4 साल पहले, मोर देन 200 स्पिरिट्स उसने देखा था,
200 स्पिरिट्स। माय गॉड, फिर मेरे को मैं उसका नाम बोल रहा हूँ ना, तो बस उसका कुंडली है नाम। यू कैन सी सो मेनी स्पिरिट्स। कोई लोग करे थैंक। शी वाज अ यंग गर्ल, अनमैरिड थी। फिर मेरा और एक कांटेक्ट था, उसका एक गुरुजी था बहुत रेयर 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 टाइप। वो लड़की इसके पास भी गई थी एंड अनफॉर्चुनेटली वो गुरुजी ने उसको मलेश्ट किया था। हाँ दैट्स सैड। तो वो एनीवे ऑल दिस थिंग्स, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड अंडरस्टैंड, जब स्पिरिट पोसेशन होता है आपको, ओके, तो आप देखिए कि सामने वाला दारू पीने को चालू कर देता है या हाई सेक्स उसका हो जाता है। इसीलिए वो चैप्टर में प्रश्न मार्ग में मैडम वुड एग्री विथ मी ऑन दैट। आई एम फॉरगेटिंग योर नेम मैडम। प्रनीशा। प्रनीशा, यस। तो एबनॉर्मल सेक्स हो जाता है एंड एक्सट्रीम ड्रिंकिंग हो जाता है। नॉर्मली एक आदमी 2-3 पैग में, 4 पैग में हाई होता है, इधर इन लोग का बॉटल निकल जाता है, इन लोग ऐसी का कुछ फर्क नहीं गिरता है। ओके, सो ये सब बहुत सारा है। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ केसेस लाइक दिस। इनफैक्ट समबडी, वन ऑफ माय रिलेटिव्स ऑफिस में एक कलीग है, शी एंड हर हस्बैंड दे गो टू ऑल दिस हॉन्टेड प्लेसेस, स्पिरिट पोजिशन उनका काम है, फैशन है फ्री में। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ओके, अभी मेरे पास I have to juggle with 2-2 PPTs today. Okay. Can you all see the screen? Yes, sir. What do you all see on the screen? Pret Bada. Correct? Aditya, correct? Yes, sir. So this is the this thing मैंने आपको बोला था, okay? Chapter 15 है actually, I don't know why this is not come here. Yeah. हम लोग पहले श्लोक सुनेंगे, ये roughly around 11 rules है, okay? हम लोग आज थोड़ा ही करेंगे, okay? लेकिन पक्का करेंगे, हो सके अगर फ्लो स्मूथ है, हमारे सब examples बहुत important है। मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया कि कैसे आपको एक क्लासिकल डिक्टम मिलता है और आपका एक्सपीरियंस 10 साल 15 साल का होते जाता है, तो आप समझते हो वो डिक्टम को कैसे वेरी किया जाता है। आप बात को समझ रहे हैं एवरीबडी? एवरीबडी विथ मी, यस और नो? कैमरा ऑन, इफ आई डोंट सी योर फेसेस आई कांट अंडरस्टैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग। ओके, तो यस सर, डिक्टम को मैनिपुलेट आप कैसे करें? वाया ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोलॉजी, बराबर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपको दिखाता है। ओके, कभी कभी आपको दिखाता है कि भाई इसका राइट रिस्ट टूटना चाहिए लेकिन उसका लेफ्ट रिस्ट टूट गया, क्यों कैसे, फिर आप उसको ये करेंगे। डन एवरीबडी? यस सर। एक सेकेंड, सबसे पहला श्लोक ये है कि अगर उसका लिबरेशन नहीं हुआ है तो वो तंग करेगा अपने रिलेटिव्स को। लर्न दिस इज द श्लोक। अभी आगे से मैं श्लोक दूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर ये वो दे दिया, लेट सेव द स्पेस। ये मेरे रेफरेंसेस है, मैं आपको ये कॉपी पेस्ट करके अभी देता हूं। ओके, चैट बॉक्स में आप यहां पे डाउनलोड कर दीजिए, ये बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। ओके, लेकिन लास्ट टाइम अगर आपको याद रहेगा मैंने बोला था कि गुलिका सबसे इम्पोर्टेंट है, आगे जाके आप देखोगे मंदी भी इम्पोर्टेंट आता है एज निकालने में, स्पिरिट का एज क्या है। या आप लोग प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए ये। ओके, एवरीबडी विथ मी, एक पीडीएफ फाइल अगर मुझे आप लोग को भेजना है, एक सेकेंड, ये प्रिंट स्क्रीन आप लोगों ने ले लिया? जी सर। थोड़े यूट्यूब वीडियो है, थोड़े ये है, और एक बहुत बढ़िया फाइल मैं आपको अभी भेजूंगा, आराम से पढ़ना, इट इज वेरी लेंदी। ओके, ये हमारे मैगजीन में
थोड़ा समय पहले, 15 साल पहले, 14 साल पहले आया था. ओके, ये जरूरत नहीं है आपको समझना. मैं क्यों बोल रहा हूं, गुलिका का जो कैलकुलेशन है इस पे डिस्प्यूट है, क्योंकि आप गुलिका का ले रहे हो तो मुझे आपको बैकग्राउंड देना चाहिए. ओके, गुलिका का शनि का बिगिनिंग पार्ट, मिडल पार्ट, एंड पार्ट. ओके, ये एक तीन पार्ट होता है, तो इसमें कौन सा लेना है. ओके, कोई कोई लोग बोलते हैं गुलिका मंदिर सेम है, कोई कोई टेक्स्ट में लिखा है गुलिका मंदिर डिफरेंट है. ओके एवरीबॉडी, तो बिफोर यू हियर इट फ्रॉम अदर्स, दूसरों को सुनने से पहले ये बैकग्राउंड में आप रख लीजिए. एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई एक सॉफ्टवेयर पे विश्वास करके चलना पड़ेगा, या खुद रिसर्च करिए जैसे बाकी लोगों ने किए, जैसे ये ऑथर ने किए, बाबू शिनाई करके हैं, बहुत बेहतरीन ज्योतिष है केरला से. ओके, तो ये आप कर सकते हो. लेकिन जो मैं लेता हूं फिलहाल के लिए, मैं ये भी जानता हूं कि कोई सॉफ्टवेयर एकदम परफेक्ट नहीं देता है, किधर किधर केसेस में अलग करता है. मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि जैसा केएन राव ने बोला, आपको सबसे परफेक्ट आयनांशा नहीं मिलेगा. करेक्ट जी सर. तो आप लहरी पकड़ के आप चलोगे, 90% आपका काम निकल जाएगा. आप समझ रहे हो बात को? जी हाँ. वो परफेक्शन की कोशिश में आप जाओगे, जाइए, बहुत अच्छा है. ओके, जाइए, लेकिन आपको फिलहाल के लिए काम चलाना है. जैसा बोलते हैं ना कि आपको बुफे लंच नहीं मिला तो चलो यार, नॉर्मल दाल चावल से काम चला दिया, जब तक आपको बुफे लंच किधर अच्छा मिले. डन एवरीबॉडी? जी, ये जरूर देखिएगा. मैंने इसमें एक मेरा वीडियो भी दिया है कि गुली का प्रश्न कैसे करें, बहुत पुराना वीडियो है. आई माइट हैव चेंज्ड माय व्यूज एंड और मोर एक्सपीरियंसेस एडेड. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला जो रूल यहां पे दिए हैं प्रश्नों के किताबों में, ओके, वो आपको प्रश्न कुंडली में भी यूज करना है एंड एट द सेम टाइम नेटल हॉरोस्कोपी में. मैंने काफी समय इस पर बिताया था. आई होप एवरीबडी इज कन्विंस्ड अबाउट, क्योंकि चेंज नहीं करेगा. करेक्ट. देन यही रूल्स आपको राशि में यूज करना है, नौमांस में यूज करना और D60 में यूज करना. ये मेरा एक्सपीरियंस. D60 लिखा है किताबों, बट मेरे लिए D60 सबसे बड़ा है. क्यों? पराशर ऋषि उसको सबसे हाईएस्ट पॉइंट देता है. वन सेकेंड, और सबसे फास्ट मूव करता है. करेक्ट. दो दो मिनट में मोटा मोटा चेंज होता है. तो अगर मेरे को अभी रितु जी ने क्वेश्चन पूछा, ओके, और 5 मिनट के बाद जिग्नेश ने क्वेश्चन पूछा, ओके, तो राशि चार्ट तो सेम हो गया, नौमांस भी शायद सेम हो जाए, लेकिन D60 तो बदलेगा. बराबर? कॉमन सेंस? एवरीबॉडी विद मी? यस सर. ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, 18-20 साल का. तभी जब मैंने ये चालू किया एक्सपेरिमेंट, तब कोई नहीं था ये बोलने के लिए, और हम तो बहुत यंग थे, कोई नहीं था यह बोलने के लिए कि सुनील यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग. तो डर डर के हम करते थे. फिर एक रेयर किताब हमें मिला आर लक्ष्मणन का, बहुत बुजुर्ग ज्योतिष थे मेरे गुरु CS पटेल साहब, उनके बारे में बोलता रहे आर लक्ष्मणन जायंट, जायंट इन एस्ट्रोलॉजी. तो उनके आर्टिकल्स छपा करते थे बीवी रमन साहब के मैगजीन में, साउथ के आदमी थे. उनके किताबें मेरे पास होता था, अभी है नहीं, फोटोकॉपी होता था मेरे पास, ओके, अभी है नहीं. उनके किताब में एक जगह पे उन्होंने D60 लिख दिया था कि केरला एस्ट्रोलॉजर्स यूज, सम ऑफ देम यूज D60 एज ए हॉरोस्कोप. तो मुझे बहुत खुश हुआ था, क्योंकि मैंने तो D60 पराशर ऋषि की किताब में पढ़ा था. फिर हमने राव साहब को लिखा था कि राव साहब ने D60 यूज कैसे किया था. राव साहब ने 3 लाइन में पूरा बता दिया कि उसको राशि चार्ट जैसे ही यूज करना है. डन एवरीबॉडी?
The next point was Gulika ka Naumansh position. Bahut, bahut important. Gulika kiske Naumansh mein baitha hai? Kya aspects hai uske? Kya conjunctions hai? Kyunki hamara primary ka humne start mein kya kar diya? Gulika. Barabar? Everybody with me? तो गुलिका का नौमांश पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज सेवेंथ फ्रॉम गुलिका, द सेवेंथ हाउस फ्रॉम गुलिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी इसको सिर्फ सुन के छोड़ दीजिए, दो साल बाद इसके बारे में हम लोग बात करेंगे या एक साल बाद. Done, everybody? Some people have raised hands. Malay, yes. How are you doing, Malay? I am good, sir. How are you, sir? Quite better. Sir, one question, sir. जैसे राशि चार्ट को देखते हैं वैसे ही D60 का भी यूज करेंगे सर, उसी तरह से. Exactly. उसमें भी हम एस्पेक्ट और ये सब देखेंगे. Everything. No special rules. Houses को वैसे ही काउंट करेंगे जैसे एवरीथिंग एग्जैक्टली लाइक राशि. एग्जैक्टली लाइक राशि. आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल. इन माय D60 दैट राव साहब रेक्टिफाइड. ओके, वो पहले तो मेरा एजुकेशन बताया. ओके, फिर मेरा फिल्म लाइन का प्रोफेशन बताया फ्रॉम माय D60. ही एक्सप्लेन्ड इट एस्ट्रोलॉजिकली. ओके, एंड देन ही सेड जुपिटर्स एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस इज गिविंग यू मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, managerial role, which was, yes, I started as a director of television shows. Okay, along with that, I learned editing, production, okay, post-production, editing. I became a cameraman also. Okay, by the way, if you all don't know, of course, how would you know? Okay, I did an ad with, there was an ad being done of Sachin Tendulkar for a Dubai-based milk product, milk company. मिल्क. तो वहां पे बिहाइंड द सीन्स विद सचिन तेंदुलकर. ओके, आई वाज शूटिंग एंड आई वाज द कैमरामैन आल्सो. ओके, सो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस सीइंग सच अ हम्बल पर्सन. वेरी एक्सट्रीमली हम्बल मैन इज. नो ईगो शीगो, नथिंग लाइक दैट. ओके, सो मजा है. मेरे को आई जंप टू दैट अपॉर्चुनिटी. अ वेरी नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री मेकर सर. अरे सुनील फ्री है क्या? ऐसा ऐसा काम है, करेगा क्या करके? तो डायरेक्टर है. अरे मैं बोला अरे डायरेक्टर या भाड़ में मनाता हूँ करता हूँ. लेट मी सी, कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना. तो एनीवे, तो मैनेजरियल रोल था मेरा. देन आई बिकेम बिजनेस हेड, ये वो एक्सेट्रा एंड ऑल दैट. तो मैनेजरियल रोल हो गया. जुपिटर एस्पेक्ट 10,000. एनी अदर क्वेश्चंस मले सर? वन मोर रिक्वेस्ट. एक चार्ट डिस्कस कर सकते हैं. एक प्रश्न चार्ट मिला था, उसमें एक व्यक्ति अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए पूछा था, वो ऑटिज्म से पीड़ित है. वो तो वो पूछा था कब वो सही होगी सर. नॉट दिस क्लास वन. ओके, एंड सेकंड, ऑटिज्म केसेस आर वेरी वेरी सेंसिटिव केसेस. द बेस्ट आई विल टेल यू, आई विल गिव यू अ शॉर्ट एग्जांपल एंड लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग. हाँ जी, रिकॉर्डिंग चालू कर दिया. हाँ जी सर. सर D60 में जब हम दृष्टि यूज कर सकते हैं सर, और डिजिटल चार्ट में सभी में यूज कर सकते हैं ना सर? सब में, सब में, सब में. हाँ, क्योंकि पिछली क्लास में विनायक सर ने कहा था कि नो नीड. नहीं, उनका वो व्यू है. ओके, मेरा व्यू अलग है. ओके, और मैं KN राव को फॉलो करता हूँ क्योंकि मैंने उनको देखा है. जैसा मैंने आपको बताया, मेरा D60 वो फॉरगेट मेरे कुंडली, उनकी किताबों में देख लीजिए, खत्म बात. देखो, ऑलवेज रेस्पेक्ट एवरीबडीज व्यू. एंड मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, चार जन से सीखो, चार व्यूज देखो. ओके, खुद टेस्ट करो. ठीक बात है सर, क्योंकि हम बहुत सालों से ना दृष्टि यूज करते आ रहे हैं D10 में, D7 में, तभी कंफर्म कर रहा था मैं आपके. इसका मतलब ये नहीं, ओके, विनायक सर रॉन्ग है, विनायक सर को नॉलेज कम है, ऐसा नहीं. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. ओके, कल मैंने दो गुरुओं का टेक्निक मिक्स किया. मैंने मैश पोटैटो बनाया.
हाँ आपने आज फेसबुक पे डाला हुआ था कुछ। हाँ वो तो मैंने ग्रेवी के लिए डाला था, हाँ डाला था। ग्रेवी के लिए डाला था, मैंने मैश पोटैटो बनाया। आज से 2 साल पहले मैंने मैश पोटैटो बनाया था पहली बार, उसके बाद में मौका नहीं मिला बनाने का। ओके ना, लव कुकिंग। ओके, अब इसके बीच में जिस दिन मैं नहीं था घर पे, मेरे बेटे ने बना दिया मैश पोटैटो, छोटा बच्चा है बना दिया, तो वो उसने बहुत अच्छा बनाया, तो बार रेज हो गया। ओके, फिर मैंने बनाया, जैसे मैं उसको बोला साथ में बनाने, साथ में बनाने खेलने को चला गया वो बाहर। जैसे ही वो आया, अरे डैडा ये फ्लफी नहीं है, मेरे को फ्लफी चाहिए, मैं इसे बेटर बनाता हूँ। ऐसे ठीक है बेटा, तू बना सकता है। उसने भी एक ही बार शायद बनाया, बट दोनों का टेक्निक अलग है, आप समझ रहे। हाँ क्योंकि आप अरुणा वो भाव से लेते हैं और वो सर कहते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, अपना अपना यूज करते हैं। यू शुड रिस्पेक्ट, हाँ रिस्पेक्ट है सर। आज तक मेरे और विनायक की 1000 घंटे हाँ। बात हुई रही। ओके, उन्होंने ये व्यू उनका बताया, आई हैव स्टिल एक्सेप्टेड इट। ठीक है, आप जब बुजुर्गों से सीखते हो, ओके, आप जब अलग अलग जगह जाते हो, एक चीज आप नोटिस करते हो पूरे इंडिया में ना, अगर कोई ज्योतिष का व्यू आपके व्यू से मैच नहीं होता है कोई भी कॉन्फ्रेंस में, ओके, ये जो लो लेवल के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना, क्लास नहीं, जिधर क्लास नहीं है ज्योतिषियों में, ओके, वहां पे झगड़ा हो जाता है। अरे तुमने ये बोला राहु केतु को दृष्टि है, बताओ कहाँ पे है, हो गया बस वॉर कॉन्फ्रेंस में। ओके, ये लो लेवल के जिनका क्लास नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी में आप आइए। ओके, आइंस्टाइन को भी आज लोगों ने रॉन्ग प्रूव किया है इनके काफी थियोरीज को, बट इंसल्ट करके नहीं। आप सप्तऋषि नाड़ी देखिए, हमारे ज्योतिष इंडस्ट्री में वापस आइए, आप सप्तऋषि नाड़ी देखिए, सप्तऋषि नाड़ी में पार्वती माँ कुंडली रखती है, पराशर ऋषि एक चीज बोलते हैं, जेमिनी अलग बोलते हैं, अगस्त ऋषि अलग बोलते हैं, इंसल्ट नहीं करते एक दूसरे का। ये एक बोलता है इसका शादी होगा, दूसरा बोलता है शादी नहीं, इतना डाइवर्स व्यूज विदाउट इंसल्टिंग ओनली। हम लोग मीन्स उन लोग इतने बड़े ऋषियों को कितना घमंड होना चाहिए, हम तो कौन है बराबर। बृहद जातक आप पढ़िए, एक जगह पे एक श्लोक आता है जिसके बारे में मैं अनफॉर्चुनेटली मैं डीप नहीं जा पाया, कि सन एस्पेक्टिंग मरकुरी या सन एस्पेक्टिंग वीनस, तो ये तो पॉसिबल, सन एस्पेक्टिंग मरकुरी कुछ ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये मेरे को याद है ब्री सूर्याना नाव के इसमें ये था कमेंट्री में, उस बी सूर्य नारायण ने बोला ये श्लोक करप्टेड है। ओके, यहां पे हम, मेरा रिक्वेस्ट है हम बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बात नहीं करें। मैं हर क्लास में ये हिंट देता हूं, आपको अगर आपके पैसे का उसूल चाहिए तो मेरे से, मेरे सब्जेक्ट जो मेरा आज टॉपिक है प्रेत बाधा, उस पर ये करें, और जितने कुंडली हो सकते हैं मेरे से निकलवाइए। किताब आपको पढ़ना है तो आप 500 रुपए में पढ़ सकते हो किताब, एम आई राइट और रॉन्ग? आप 20,000 क्यों दोगे? आप इसलिए दोगे कि आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि इस श्लोक को लेके मैंने कैसे मरोड़ा मरोड़ा मरोड़ा, और देखो ये कैसे दिखता है। आप बात को समझ रहे हो एवरीबॉडी? यस और नो? जी सर। यू आर पेइंग मी फॉर योर, फॉर माय एक्सपीरियंस। श्लोक तो अभी आप प्रश्न मांग टाइप करो गूगल में, आपको 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा, आपने किया भी रहेगा, करेक्ट। अब हम पहले श्लोक के पास जाते हैं जो हमने लास्ट टाइम बोला भी था। सर एक एक कंफ्यूजन कर दो सर प्लीज। बोलिए। ये D60 में अरुणा ले सकते हैं सर? डी कोई हम नंबर लेते हैं, 6 ले सकते हैं? एक चीज एक बार बोला तो 100 बार बोला, ठीक है सर? 3 बार रिपीट किया मैंने, एवरीथिंग दैट इज एप्लीकेबल इन राशि चार्ट इज एप्लीकेबल इन डिविजनल चार्ट D60। मैं ऋषि नहीं बनना चाहता हूं कि पराशर ऋषि ने जो बोला है उसके खिलाफ जाके कुछ और मैं बोली। मेरे लिए मेरा ऋषि KN राव साहब है, जो वो करते हैं मैं भी करता हूँ, खत्म। और अगर उन्होंने नहीं भी बोला है तो मैंने काफी जो वो नहीं मानते हैं मैं उसके आगे जा चुका हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल का।
और डी 60 में जो आरूढ़ लग्न होता है ना, बाय द वे इज स्पेशली यूज फॉर पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी, कोई आपको बताएगा नहीं ये बात, बट खाली मैं नहीं, बहुत रेयर ज्योतिषी वो यूज करते हैं, मैंने उनको देखा है और उनसे ही सीखा है वो यूज करते हुए। आई रिपीट, डोंट माइंड मी साहब, ओके, बट मैं सबके लिए बोल रहा हूं, आई रिपीट बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हम सिर्फ इस कोर्स के बारे में बात करेंगे और वो भी आज का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, चंद्रवेला के बारे में बात नहीं करेंगे, वो हमारे कोर्स में नहीं है, भले वो प्रश्न मार्ग में मेंशनड है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस सर। दिस इज नॉट प्राइवेट ट्यूशन ऑफ प्रश्न मार्ग, हम प्रश्न मार्ग के कोई इंपॉर्टेंट श्लोकास को लेके आपको सिखा रहे, बाकी प्रश्न मार्ग सीखना है तो 20 साल लगता है, 20 साल लगता है, बहुत वास्ट है। देखिए बहुत डिसिप्लिन हमें होना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूं, ओके, इनडिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, ओके, सुबह 3 बजे से मैं लेके बैठता हूं, ओके, सेम प्रश्न मार्ग और हर बार एक अलग चैप्टर खुलता है, मैं ये टेबल पे आऊं तो यहां पे एक है, इधर बैठूं ये चेयर पे बैठूं तो इधर दूसरा पार्ट टू है, बालकनी में बैठ के मैं करूं तो अगेन दो, ये हिंदी वाला ये वाला वो वाला, सुबह से शाम में खाली चैप्टर के थ्रू भागते रहता हूं, डिसिप्लिन नहीं है मेरे में, आप बात को समझ रहे हो, टाइम वेस्ट हो जाता है। एक खाली 15 चैप्टर लिख के रख लीजिए आप लोग, 15 चैप्टर नंबर 15, वो मास्टर करने में आपको एटलीस्ट 15 साल लग जाएंगे, 15 साल, 800 पेज का प्लस का किताब है ये।